आज का टॉपिक है हमारा टेंस। तो हम आज के सेशन में टेंस और उसको ये क्लियर करने वाले हैं हम कि टेंस की पहचान क्या होती है, उसके रूल क्या होते हैं और कैसे हम टेंस के कठिन कार्य को इजी बदलते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में एक से एक इजी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते हैं, वैसे ही आज लेके आए हैं टेंस और इसको इजीली आपको कैसे याद रखना है। तो यहाँ हमारे पास टेंस चार्ट है। सबसे पहले देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि टेंस होता है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट टेंस हो गया तो इनके भी अपने पर्टिकुलरली चार टाइप्स होते हैं। कौन से कौन सा? जैसे प्रेजेंट में देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस में बोलते हैं। सेकंड हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दो, ये वाला जो है इन दो को कॉम्बिनेट करके बना दिया गया है। अब सिंपल से प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सिंपल टेंस, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पहचाने कोई सेंटेंस आ गया जिसमें हमें पता चले कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको पहचान देखना है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है और ते है ऐसे कुछ आए तो आपको क्या लगा, समझ जाना है कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा। आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट देखना है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगा के क्लियर हो जाएगा आपका काम। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है, फिर आपको ऐसे पहचानोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या और कुछ है। तो देखो कोई भी सेंटेंस हो जिसमें हमें क्या लगे कि लास्ट में देखना है, अंतिम लाइन के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आया, तो आप क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट चूज करना है सेंटेंस में से। उसके बाद आ जाएगा आपका इज, एम, आर, तीन में से कोई, इसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब, तो वर्ब की यहाँ पे फोर्थ फॉर्म चलेगी जिसे हम वर्ब की फॉर्म में आईएनजी भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखें तो इसमें क्या होता है, हमें पढ़ने पे सुनने पे ऐसा लगता है कि ये पास्ट का है, मतलब काम हो चुका होता है इसमें, है ना। तो काम हो चुका होता है, तुरंत ही हुआ है, बहुत पहले की बात नहीं है, तो वहां पे क्या बोलेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है। जैसे किसी ने पूछा आपसे खाना खा लो भाई, तो आपने क्या बोला, नहीं खा लिया भैया, है ना। तो वहां पे क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, जिसमें स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। इसकी पहचान यहाँ पे इंग्लिश में क्या हो जाएगी, हैज हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद तो इसमें क्या होता है, कोई सेंटेंस जो लंबे समय से आ रहा है, चालू हो चुका है कोई काम लेकिन वो लंबे समय से चल रहा है ना, एंडिंग ही नहीं हो रही है, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से रहा है या फिर से रही है, जैसे वो 2 बजे से खाना खा रहा है, वो 3 दिन से बैतूल आ रही है, है ना, वो जो है वे बस ट्रेन से आ रहे हैं, सुबह की ट्रेन से आ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस आए तो उसमें आप हमें क्या ट्रांस ये करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देख लेना, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो होगी हैज, हैव प्लस बीन रहेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी रहेगी, और सिंस रहेगा या फिर सिंस फॉर, है ना, दो में से कोई को लगाना है, प्लस टाइम, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल था ये, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आइए हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान ये होती है कि पास्ट टेंस में हम कोई भी काम हो हमारा वो हो गया होता है, कंप्लीट हो गया होता है, तो जब काम कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस में। जैसे कल की बात हो या फिर 2-4 घंटे पहले की बात हो, तो काम टोटली रूप से वर्क हो यहाँ पे क्लियर यानी कंप्लीट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के अपने 4 प्रकार होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखें पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले पास्ट सिंपल की पहचान क्या होती है, इसमें सब जो लाइन होती है हमारी उसके अंत में क्या रहना चाहिए, आ, ई, ए, ठीक है, वो आए, वो गए, ठीक है, वो ए, वो गए हो गया, ता था मतलब वो आता था, वो ती थे, वो आती थी,
है ना, ते थे, वो खाना खाता खाते थे, वे खाना खाते थे, इस टाइप के सेंटेंस। इसका सिंपल है, इसमें वर्ब की क्या लगाना है आपको, सेकंड फॉर्म लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म से क्या लगता है, फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगा हो वो फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म वेरी सिंपल, वर्ब सेकंड फॉर्म में मोस्टली ईडी ऐड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म में भी, ठीक है, और फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी रहेगा, कोई भी वर्ब हो चाहे प्लेइंग डूइंग है ना इस टाइप की, और फिफ्थ में आए एस या ईएस जुड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओके। अब इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, काम पुराने समय में हो चुका होता है, जैसे हम पुराने समय में यार मैं पहुंचा था ना कल, मैं वहां पहुंचा जब तक बस निकल चुकी थी, तो ऐसे सेंटेंस आया तो आपको क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप क्लियर, ठीक है। द नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, ता आ रहा था, ती आ रही थी, मतलब वो सुबह से खाता आ रहा था, वो सुबह से पीती आ रही थी, है ना, ऐसे सेंटेंस है जो आ रही थी, लेकिन बात कब की कर रहे हैं, पुराने समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पुराने समय की बात हो तो हम यहाँ पे लगाएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कौन सा वाला, बट पास्ट वाला। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, ये आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म प्लस सिंस फॉर, दो में से कोई लगाना है। अगर टाइम निश्चित है तो आप सिंस लगाओगे, अनिश्चित है तो फोर लगाओगे। टाइम तो आपको लगाना है, अभी मॉर्निंग बोला कि इवनिंग बोला कि आफ्टरनून बोला या फिर 2 आवर बोला, वो एम पे आपको लगाना है। ऑब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए काम होगा वो ऑब्जेक्ट लगा लिया। तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर और पहचान हम देखना है फ्यूचर टेंस की। भाई हम सभी फ्यूचर के बारे में बात करते हैं हमेशा, मेरा फ्यूचर ये होगा, मेरा फ्यूचर वो होगा, मेरा फ्यूचर ऐसे होंगे, फ्यूचर में हम वैसे होंगे। तो जब ऐसे सेंटेंस आप बोले यूज में लाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा सबसे पहले, और विल लगाना होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपली ऑब्जेक्ट से। देख ऊपर के जितने भी सिंपल वाले सिंपल स्ट्रक्चर और सिंपल पहचान है, विल भरे हुआ है इसमें हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान जो होगी वो तार रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगे, मतलब यस है ना, जैसे वो खाता रहेगा, जैसे कि वो बोलेंगे अपन मैं आने वाले समय में जो है डायरेक्टर रहूंगा, है ना, और वो पानी पीती आ रही होगी, है ना, वो खाना खाता खाते आ रहा होगा, है ना, वो पेंट पहनते हुए आ रहा होगा, ऐसे सेंटेंस जब आए तो हमें आपको क्या लगाना है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल बी, क्या लगाना है, विल बी। अभी तक बी नहीं आए, बी नहीं आया तो बी जब लगे तो इसकी सिंपल हाईलाइट हो गया, ये क्या लगाओगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली, और लगा दोगे ऑब्जेक्ट, बन गया सिंपल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ऐसा सेंटेंस आया मतलब खाना खा चुका होगा, चुकेंगे, हम गाना गाएंगे, गा चुके होंगे, जिससे हम पहुंचेंगे जब तक वो खाना खा चुके होंगे, हम भंडारा में गाएंगे जाएंगे जब तक तो पूड़ियाँ खत्म हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर की बात बता रहे हैं, हम आगे जा ही रहे हैं, आगे की सोच के चल रहे हैं और वहाँ पे फ्यूचर की बात बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको लाओगे, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट विल हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या फिर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। फ्यूचर टेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर ये कोई सेंटेंस है जिसमें हम इसमें क्या लंबे सेंटेंस होते हैं, ये वाले लंबे टेंस के सेंटेंस होते हैं, जैसे ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। किसी भी लाइन के अंत में अगर ऐसे पढ़ने को मिले आपको तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लेनी है और रूल ये वाला लगा लेना है, क्या सब्जेक्ट विल हैव बीन, ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, सिंपल है, जहां पे भी रहा वाला शब्द आया, रहा रही रही आगे पीछे जो भी रहे आपको कोई मतलब नहीं, मतलब रहेगा, मतलब अगर रहा रही रही आए तो आप लगाओगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आंख मुद के। तो उसके बाद सिंस फोर आपको बताया कि सिंस अनिश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए फोर और सिंस निश्चित के लिए लगाना है, और टाइम लगा दिया उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस टाइप से हमने देखा कि टेबल बहुत ईजी हो गई है अपने लोगों के लिए, अगर ये टेबल क्लियर हो गई, वैसे टेंस को जो है इंग्लिश की जान माना जाता है, अगर आपको अगर टेबल क्लियर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ के आगे
टेंस और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने वाला था कक्षा 10वीं 12वीं जो भी है हिंदी मीडियम वाले के लिए खासकर बहुत सेंटेंस आते हैं उनसे बनते हैं जबकि सबसे ज्यादा ये इजी पोर्शन है ठीक है। तो ये था वैसे कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है 4-5 दिन का इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपको इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको पूरी चीजें चाहिए एक लाइन टू लाइन चाहिए क्लियर चाहिए तो आप ऑफलाइन मोड पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं है ना। हमारा जो एड्रेस है वो गायत्री मोहल्ले से छोड़िए ठीक है और एक्सीलेंस कोचिंग क्लासेस संस्था का नाम है। आप बिल्कुल हमारे जो गोल्ड लाइन नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं 7747095999 ठीक है। एक और नंबर आप जिस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं है ना 9993747433 ठीक है। ये जो नंबर है हमारे इस पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है आप ऑफलाइन अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं कोचिंग लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं बहुत कम फीस में बहुत अच्छा हमारे यहाँ इंग्लिश मैथ्स और साइंस से रिलेटेड आपको जो है डाटा मिलेगा और अच्छे खासे नंबर इस बार 2020-21 का बहुत बेस्ट रिजल्ट रहा हमारे पास से एक बार विजिट आप कर सकते हैं ओके। और मुझे उम्मीद है ये समझ में आएगा और इसकी जो भी सीरीज चल रही है क्लासेस डेली सीरीज चल रही है इस सीरीज में हम बता रहे हैं एक एक से जैसे इसका एक एक एग्जाम्पल 50-50 एग्जाम्पल कर रहे हैं एक यहीं बैठ के क्लियर यहीं बैठ के कहीं जाना ना आना तुरंत बच्चे क्लियर कर ले रहे हैं। ये 15-20 दिन का कॉन्सेप्ट है इसको 3 दिन में पूरे टेंस को एकदम क्लियर कर ले रहे हैं। तो आपको भी अगर ऐसे धमाकेदार क्लास लेना है ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपको नंबर भी मिल चुका है ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड दिस इज द टेंस सब्सक्राइब करना चैनल को नॉट कॉमन सेंस।